राजस्थान में आज 68 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में 16, जयपुर, जोधपुर, चूरू में 12-12 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा में 7, झुंझुनू में 5, 12 की अगर हम बात करें, यहां 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। सवाई माधोपुर और नागौर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 9,720 हो गई। लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। 68 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए। सवाई माधोपुर और नागौर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले। और अधिक अपडेट के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। दयाल, बताएं क्या नई अपडेट। देखिए मनीषा, बताना चाहूंगा आज सवेरे की जो रिपोर्ट आई है एसएन मेडिकल कॉलेज और एम्स की, उसमें जोधपुर में कोरोना वायरस से पॉजिटिव 12 लोगों की रिपोर्ट मिली है। उन सभी को कल ही क्वारंटाइन कर लिया, मतलब सवेरे जब रिपोर्ट आई उसके बाद अब क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज और मेडिकल विभाग ने कर दी है। और बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जिस तरह से शहरी क्षेत्र में स्प्रेड हुआ है कोरोना, उसको देखते हुए प्रशासन ने पूर्णतः कर्फ्यू हटाने के बाद जहां जहां भी ये पेशेंट मिल रहे हैं उनकी गलियों को ब्लॉक करके इसकी चेन को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दयाल सिंह, ये बताएं कि जोधपुर से फिलहाल कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने लोग डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं? देखिए बताना चाहूंगा कि अब तक कम से कम 800 से 900 लोगों को जो है ठीक होने के बाद घर भेजे गया और करीब 300 के लगभग जो है क्वारंटाइन है जिनका कोरोना का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। दयाल सिंह, तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना के जो संक्रमित हैं वो यहां से सामने आ रहे हैं और लगातार चिकित्सा विभाग मुस्तैद है, अपना काम कर रहा है। और साथ ही एक बहुत खास बात यह है कि अब सभी ओपीडी भी शुरू हो गई हैं। कोरोना के जो मरीज थे उन्हें आरयूएचएस में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो फिर से सुचारू रूप से चल सकें और बाकी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा है वो 200 को पार कर चुका है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके जहां पर पहले संक्रमण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था, वहां से अब जो कोरोना के मरीज हैं वो चलते जा रहे हैं। कोरोना को हराना है ये सभी का संकल्प है और लगातार जो मुस्तैदी से सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अनलॉक का दौर अब शुरू हो चुका है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए हम सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा। सरकार की ओर से छूट दे दी गई है लेकिन जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिंदगी को पटरी पर लाना जरूरी था और इसीलिए सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। एहतियात के साथ सभी जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन्हें खोल दिया गया है क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है लोगों को फिर से काम पर बुलाना। लगातार राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 9,720 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट कोटा से? मनीषा, बिल्कुल, कोरोना का जो आंकड़ा है वो कोटा शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना की देर रात के आंकड़े की बात करें तो 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और सुबह के आंकड़े की बात करें तो 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव के कुल आंकड़े की बात करें तो 501 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हो चुका है जो लगातार गंभीर बनता जा रहा है। साथ में अगर बेहद सुखद खबर ये भी है कि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वहां से जो बढ़ता जा रहा है तो वहीं डिस्चार्ज का जो आंकड़ा है वो लगातार वो भी बढ़ता जा रहा है। 392 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक रात की खबर है। लॉकडाउन इन पूरे शहर में लागू है। शहर भर में लागू होने के बाद में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार जिला प्रशासन काम कर रहा है और जिला प्रशासन बेहतर काम करते हुए एक सुखद परिणाम भी दे रहा है। जी मनीषा, राजेंद्र, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं कोटा से? अगर कोटा में एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस में 92 एक्टिव केसेस हैं जो अभी तक न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। मगर वहां से भी एक रात की खबर ये आ रही है कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो 2 बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो मनीषा, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जहां पर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वहां कहीं ना कहीं जो उनका डिस्चार्ज का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ में एक ये भी बात सामने आई है कि जो इलाके कभी भी
पूरे लॉकडाउन काल में कभी भी कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में नहीं आए थे, वो भी अब कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में आ रहे हैं। लगातार विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में कल 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। अब ऐसी पोर्ट्स इलाके हैं जहां पर कोरोना की तादाद कम थी, वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक परेशानी का विषय, मगर जिला प्रशासन इससे बेहतर निपटने के लिए एक कार्यनीति बना रहा है और उस कार्यनीति के अनुसार लॉकडाउन इनकी पालना भी हो और साथ में जो पेशेंट है उनका इलाज भी पूरे दुरुस्त रूप से हो। जी मनीषा जी, राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस प्रकार के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर। काफी लोग ठीक हो रहे हैं, काफी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुजीत, क्या अपडेट? देखिए, आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल झुंझुनू से? सुजीत, मैं ये जानना चाहूंगी कितने एक्टिव केसेस फिलहाल झुंझुनू से, क्योंकि आंकड़ों में जो बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है। जी मनीषा, बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या है वो लगातार बढ़ोतरी उसमें देखने को मिल रही है। कल भी अंदर 5 जो कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं वो झुंझुनू के अंदर आए, एक झुंझुनू शहर का, बाकी अलग जगह के झुंझुनू के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिले। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक झुंझुनू में कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो 148 हो चुकी है। जी, उनमें से कितने एक्टिव केसेस सुजीत? जी मनीषा, उनमें अभी रिकवरी होने वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव करीब 110 जो पेशेंट है वो अब तक पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठीक बात है, राहत की बात है, वो सामने ये आ रही है कि रिकवर लोग जल्दी हो रहे हैं और लगातार जो संख्या है वो भी इस बीच बढ़ती जा रही है। 9720 कुल आंकड़े हो चुके हैं कोरोना संक्रमितों के, 200 के पार जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो जयपुर में पाए जा रहे हैं, जयपुर से ज्यादा कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार राजस्थान में जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बाकी जगहों से रिकवरी रेट जो है वो ज्यादा है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ख्याल रखना है इस बात का कि लापरवाही किसी प्रकार की नहीं बरतनी है। छूट हमें सरकार ने दी है, लेकिन कोरोना ने कोई छूट नहीं दी है। उसके लिए हमें खुद अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा, जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने होंगे। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, हालात जो हैं वो लगातार कोरोना के जो आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से फिलहाल सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार सुचारू रूप से जारी हैं और आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल? जी मनीषा, बिल्कुल, लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो बरकरार नजर आ रहा है, लेकिन रिकवरी जो रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रदेश में बात करें तो आज 68 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उनको मिलाकर अब तक प्रदेश में 9720 कोरोना के जो पॉजिटिव केस है वो सामने आ चुके हैं। तो वही बात करें तो जो मौतों का आंकड़ा भी 209 हो चुका है। हालांकि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और तकरीबन 70% के करीब जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुकी है। जिसमें बात करें तो अब तक प्रदेश में जहां 7920 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं उसमें 6819 कोरोना के जो पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि वो ठीक हो चुके हैं। तो वही ठीक होने पर 6267 जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उसमें जो रिकवरी रेट है जो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी को देखते हैं, अब प्रदेश में 2692 एक्टिव केस है। जिस तरह से कोरोना के जो एक्टिव जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उसमें जो माइग्रेंट्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक 2767 जो माइग्रेंट्स है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह की जो तैयारियां की जा रही है और उसको लेकर जो कोरोना का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में अब तक 4.5 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट है वो हो चुके हैं। तो वही लोग जांच कैपेसिटी प्रतिदिन के हिसाब से वो भी तकरीबन 19,000 के करीब पहुंच चुकी है और इसको 2 या 3 दिन के अंदर 25,000 प्रतिदिन के हिसाब से जो बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से जो तमाम जो कोशिशें हैं कोरोना संक्रमण को रोकने की वो की जा रही है और उसी का परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि जो
कोरोना का जो रिकवरी रेट है जो प्रदेश राजस्थान पूरे देश में सबसे अव्वल है, उसी को देखते हुए जो रिकवरी रेट अब तक 70% हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से जो मौतों का दायरा है वो भी देखा जाए तो नेशनल के अनुपात में बहुत ही कम है। बिल्कुल।